प्रभु, ब्रह्मगिरी और इंद्र के प्रकोप में क्या संबंध हो सकता है? महर्षि गौतम का आश्रम ब्रह्मगिरी क्षेत्र में है। इंद्र का प्रमुख लक्ष्य था गौतम के आश्रम को मरुस्थल बनाना, परंतु गौतम ऋषि का तप तथा परमेश्वरी गायत्री के कृपा कवच के कारण इंद्र प्रकोप प्रभावहीन सिद्ध हुआ। प्रभु, महर्षि गौतम तथा देवराज इंद्र की शत्रुता का कारण क्या है? कारण? कारण आप हैं मुनिवर। मैं कैसे कारण हो सकता हूं प्रभु? आप स्वयं स्मरण कीजिए देवर्षि। मैं एक अद्भुत स्त्री उत्पन्न करूंगा जो सर्वगुण संपन्न तथा विश्व की श्रेष्ठ सुंदरी होगी। कल्पना का साकार रूप अलौकिक, दिव्य, सुंदर। मैं कौन हूं? मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है ज्ञान, विवेक, वाणी, प्रेम, घृणा तथा उच्च संस्कार। जन्म धारण करते ही तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं। प्रणाम जन्मदाता। चिरायु हो जन्मदाता। आप मुझे किस नाम से संबोधित करेंगे? अहल्या नाम से। तुम निर्विकार हो, मेरी मानस पुत्री हो। परमपिता, मेरे जन्म धारण करने का उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य में घटित होने वाली कई घटनाओं से तुम्हारा संबंध होगा। तुम्हारी उत्पत्ति ही घटनाओं का सूत्र पात्र है। दूरगामी परिणामों की प्रतीक्षा करो पुत्री। जो आज्ञा परमपिता। जाओ। कहाँ जाऊं मैं? सत्यलोक में कहीं भी भ्रमण करो, निर्भय भ्रमण करो। चिरंजीवी भव वत्सनारद। परमपिता, अभी अभी जो तरुणी यहाँ से गई थी वो आपके पावन चरणों के दर्शन प्राप्त करने आई थी। वो मेरी मानस पुत्री अहल्या है नारद। अहल्या? परमपिता, आपने इसे उत्पन्न किया है तो इसके पीछे आपका कोई महान उद्देश्य होगा। कुछ ऐसा ही समझो वत्स। नारायण नारायण। परमपिता, मैं आपका उद्देश्य जानने का निष्फल प्रयास नहीं करूंगा। फिर भला मुझे सफलता भी किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? आप त्रिदेव एक दूसरे के अभिन्न होकर भी एक दूसरे के रहस्यों और उद्देश्यों से अपरिचित रहते हैं। फिर भला मैं वत्स,
तुम तो अनुमान से ही रहस्यों की गहराई नाप लेते हो। अहल्या का सौंदर्य पुरुषों की चरित्र परीक्षा का माध्यम बनेगा। किस प्रकार परमपिता? अहल्या का विवाह उसी पुरुष से होगा जो नारी आकर्षण से अलिप्त रहकर 10 वर्ष तक उसके साथ विकार रहित जीवन व्यतीत करेगा। नारायण नारायण, ये तो बड़ी कठिन परीक्षा है। आज्ञा परमपिता। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। देवराज। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। देवराज, आप अकेले कहां विचर रहे हैं? देवर्षि, मैं भविष्य में घटने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क रहने लगा हूं। नारायण नारायण, भविष्य में घटने वाली दुर्घटनाओं के प्रति आप सतर्क रहने लगे, ये तो अच्छा है देवराज। कहिए देवर्षि, कहां से आ रहे हैं आप? परमपिता ब्रह्मदेव के पावन चरणों के दर्शन प्राप्त करके आ रहा हूं देवराज। क्या समाचार है सत्यलोक के? नारायण नारायण, सत्यलोक की बात ही कुछ और है देवराज। एक आता है और एक जाता है। इन दिनों परमपिता ब्रह्मदेव की मानस पुत्री के सौंदर्य की प्रशंसा फूलों की सुगंध की भांति चारों ओर फैल रही है। आपके मुख से उसकी प्रशंसा पहली बार सुन रहा हूं देवर्षि। नारायण नारायण देवराज, यही तो दुर्भाग्य है उस सुंदरी का। आपका तात्पर्य देवर्षि? उससे विवाह करने के लिए अनेकों लालायित है देवराज, न जाने कौन उसका भाग्यशाली वर होगा। आपने क्या नाम बताया उस सुंदरी का? अहिल्या। जिधर देखो सौंदर्य ही सौंदर्य। कौन है आप? मैं स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र हूँ। देवराज इंद्र, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आया नहीं, तुम्हारा आकर्षण मुझे बांधकर खींच लाया है। तुम किसकी पुत्री हो? ब्रह्मदेव से पूछ लीजिएगा। यही ब्रह्मदेव की मानस पुत्री है अहल्या। जगत निर्माता की जय हो। पधारिए स्वर्गाधिपति। अन्य देवता कहां रह गए? परमपिता, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। सत्यलोक में देवराज इंद्र को अकेले देखकर थोड़ा कुतूहल हो रहा है। परमपिता,
ब्रह्मऋषि विश्वामित्र वाले प्रसंग के पश्चात मैं सतर्क रहता हूं। विश्वामित्र को स्वर्ग की कामना नहीं थी, परंतु कौन जानता है कि स्वर्ग की अभिलाषा में कोई अन्य हठी तप कर रहा हो। इसीलिए मैं घूम घूम कर निरीक्षण करता रहता हूं। अपने वैभव को सुरक्षित रखने के लिए सावधान रहना ही पड़ता है। भ्रमण करते करते इच्छा हुई कि आपके पावन दर्शन कर लूं। तुम्हारी सद्भावना का सम्मान करता हूं देवराज। विधाता, आपके दर्शन से पहले हमें एक और दिव्य दर्शन हुआ है। कहां? इसी ब्रह्मलोक में एक अद्भुत सुंदरी दिखाई दी। हमने उसे पूछा, शुभे तुम कौन हो? वो मेरी मानस पुत्री है अहल्या। उसके विवाह के लिए योग्य पात्र ढूंढना है। क्षमा करें तो मैं कुछ निवेदन करूं? हाँ हाँ अवश्य कहो। आप उचित समझे तो मैं अहल्या से विवाह के लिए तैयार हूं। इंद्राणी शची के साथ यह तुम्हारा अन्याय नहीं होगा? मैं इंद्राणी से अनुमति प्राप्त कर लूंगा। परंतु अहल्या के साथ विवाह की मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। कोई मुख्य कारण है विधाता? हाँ देवराज, मैं अहल्या को ऐसे पुरुष को सौंपूंगा जो 10 वर्ष तक उसके साथ रहे, परंतु अहल्या के सौंदर्य के प्रति उसके मन में विकार उत्पन्न न हो। ब्रह्मदेव, स्त्री आपकी सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अहल्या जैसी अनुपम सुंदरी 10 वर्ष तक किसी पुरुष के साथ रहे और उसके मन में विकार उत्पन्न ना हो, नारी का आकर्षण ही विकारों का जन्मदाता होता है। नारी आकर्षण के कई रूप होते हैं इंद्रदेव। आपके चरणों के प्रताप से मैं उन रूपों से परिचित हूं, किंतु मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अति सुंदर नारी के साथ रहने वाले पुरुष के मन में विकार उत्पन्न ना हो यह संभव है। भोग योनि का सुख भोगने वाले देवताओं में ऐसा पुरुष कोई नहीं, यह संभव है। परंतु भूलोक में ऐसे अनेकों पुरुष हैं जिन्हें नारी सौंदर्य का तनिक भी आकर्षण नहीं। उन अनेकों पुरुषों में से किसी एक पुरुष का नाम बताने की कृपा करें प्रभु। उन अनेकों में से एक हैं महर्षि गौतम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वत्स गौतम। परमपिता ब्रह्मदेव, आपके पावन चरण कमलों में मेरा प्रणाम। उठो महर्षि। जन्म जन्मांतर तक तप करने के पश्चात भी जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं वही आज मुझे स्वयं दर्शन देने पधारे हैं। कितना भाग्यशाली हूं मैं। गौतम, जिस पराशक्ति गायत्री की कृपा से मैंने इस सृष्टि की रचना की, तुम भी उसी दयामयी माता के परम भक्त हो। तुम जैसे समर्पित भक्त के सान्निध्य में हमें प्रसन्नता होती है। इतना बड़ा सम्मान देकर आप मुझ पर अपने स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, ये कौन है? क्या आपके साथ आई है? तुमने इसे नहीं देखा? कैसे देखता, मेरा ध्यान तो आपके चरणों में था। आओ पुत्री, यह अहल्या मेरी मानस पुत्री है। इससे विवाह हेतु अनेकों इच्छुक हैं, किंतु इसके विवाह का अभी समय नहीं आया है। ये कन्या मेरी धरोहर के रूप में तुम्हारे आश्रम में रहेगी।
10 वर्ष के पश्चात मैं इसे आकर ले जाऊंगा। आपकी आज्ञा चिरोधार्य है परमपिता। चलिए देवी, आपकी कुटिया दिखा दो। गुरुदेव, ये लीजिए। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। कहो वत्स। गुरुदेव, भक्ति श्रेष्ठ है सेवा। तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का परम लक्ष्य मुक्ति होता है, सेवा का लक्ष्य असीम होता है। सेवा यदि त्याग और अनुराग भाव से हो तो उसका महत्व है, परंतु सेवा यदि स्वार्थ भाव से की जाए तो व्यापार और प्रचार बन जाती है। कभी कभी सेवा करने वालों को अपमान की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। गुरुदेव, सेवा करने वालों को कभी कभी प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। वो सेवा का चरमोत्कर्ष होता है। सेवा करने वालों को भगवान शिव की भांति विष भी पीना पड़ता है। भगवान शिव ने सौतेले भाइयों, देवताओं और दैत्यों की आपसी कलह को निपटाने के लिए समुद्र में मंथन कराया, क्योंकि वो समुद्र के गर्भ से निकली हुई संपत्ति को दोनों में बांटकर उन्हें संतुष्ट करना चाहते थे। मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला। विष की ज्वाला चारों ओर व्याप्त हो गई। सभी त्राही त्राही करने लगे। तब दयालु भोलेनाथ ने वो विष स्वयं पी लिया। परोपकार का ऐसा उदाहरण न सृष्टि में है और न होगा। आप सबको भी शिव की भांति परोपकार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव, भगवान शिव ने कंठ में क्यों विष धारण किया? क्योंकि भगवान शिव के मन में विष्णु और शक्ति का वास है, उन्हें कष्ट ना हो, इसलिए भोलेनाथ ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 वर्ष बीत गए। ब्रह्मदेव अहिल्या को ले जाने हेतु नहीं आया। मैं तुम्हारी चिंता से अवगत हूँ वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्ते। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम